अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ के हवाले से उसकी एंड्रॉयड पाई अपडेट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। तो इसमें स्पेशली जो है ना सैमसंग गैलेक्सी A9 के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको दे देता हूँ कि A9 जो है 2018 वाला मॉडल, उसमें भी हमें अपडेट जो है पाई की मिलने वाली है। तो अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स, फुली डिटेल्स अभी बता देता हूँ, आप इनको देख लीजिएगा कि आपके फ़ायदे की हैं या नहीं। तो आगे मैं बात शुरू करता हूँ। तो सैमसंग ने अपनी जो पाई की अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी A8 और A8 Plus जो है, इसको एक हफ्ता पहले जो है उन्होंने दे दिया हुआ है सिर्फ रशिया में। और इसी तरह सैमसंग ने A7 जो है 2018 वाला मॉडल, उसमें एंड्रॉयड पाई का जो है बीटा वर्जन वो कुछ अर्सा पहले का दे दिया हुआ है। तो इसी तरह अभी जो है सैमसंग का जो गैलेक्सी A9 है 2018 वाला मॉडल, तो उसमें भी अब वो अब पाई की जो है अपडेट देने वाला है। पोलैंड में उसने अपनी जो है पाई की अपडेट दे दी है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को, बाकी मार्केट्स को अभी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन भी है कि हो सकता है कि मार्च के एंड तक काफ़ी जो मार्केट्स हैं उनमें ये ए सीरीज़ के जो स्पेशली A9, A8 और A7 वाले मोबाइल हैं, इन तमाम में पाई की अपडेट मिल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम मार्केट्स में ये अपडेट आ जाए। हो सकता है कि कुछ में हमें अप्रैल में देखने को मिल जाए, और हो सकता है हमें मई में देखने को मिल जाए। तो इस हवाले से अभी अगर आपको चाहिए है अपने मोबाइल में पाई की अपडेट, तो आप अपने सैमसंग मेंबर्स जो ऐप है उसमें जाकर अपने नोटिसेज में देख सकते हैं, उसमें मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा, आप अगर मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर देख सकते हैं। स्पेशली पोलैंड में अभी जो अपडेट मिल रही है वो अपने नॉर्मल अपडेट जहाँ से मिल होती है ना, सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जाकर, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर देखें, मैनुअल अपडेट में देखें, तो वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी आपको। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को देखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।